वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जिया क्लासेस। तो आज हम ट्रिक्स सीखेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक्स लाइब्रेरी। तो आज हम क्या ट्रिक्स सीखेंगे? इजी ट्रिक्स फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर। अगर आपके एग्जाम में थ्री डिजिट नंबर है, उसका मल्टीप्लाई आपको थ्री डिजिट नंबर से करना है, तो आप मल्टीप्लाई करते नहीं बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट? तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक है, तो हम वो डिस्कस करेंगे कि थ्री डिजिट नंबर को थ्री डिजिट नंबर से ट्रिक यूज करके हम कैसे इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन वन। देखो 221 मल्टीप्लाई विथ 123, थ्री डिजिट नंबर का थ्री डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे ट्रिक अप्लाई करके इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो इसके लिए क्या होता है, आपको लिखोगे नंबर 221 123, ठीक है? जब दो डिजिट का दो डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना प्लेस तो पहले फिक्स करना होता है, तीन डिजिट। जब तीन डिजिट का तीन डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्लेस फिक्स करना पड़ेगा फाइव। फाइव डिजिट नंबर तो आएगा ही, ठीक है? फाइव प्लेसेस आपको फिक्स करना होता है, ठीक है? अब ये फर्स्ट वैल्यू ये कैसे आएगी, इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फर्स्ट आएगा, इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट आएगा। लेकिन इन तीनों का क्या, ये तीनों कहाँ से आएगा, ठीक है? तो ये वाला जो प्लेस है, ये जो प्लेस है सेकंड प्लेस, ये क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करने से ये नंबर आएगा, ठीक है? ये वाला प्लेस, ये जो प्लेस है, ये क्या आएगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करने से ये आएगा, ठीक है? अब ये वाला प्लेस कहाँ से आएगा, इन तीनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करने से यहाँ पे आएगा, ठीक ठीक है? अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको, ठीक है? तो हम यहाँ पे देखते हैं सॉल्व करके। सबसे पहले आपको ये पैटर्न याद रखना है, ये जो एक पैटर्न है आपको ये याद रखना है, ठीक है? पहले ये हो गया वन क्रॉस वन, सिंगल एरो, डबल क्रॉस, ट्रिपल, देन अगेन डबल, देन अगेन सिंगल, ठीक है? ये एक पैटर्न हो गया, आपको ये पैटर्न याद रखना है, ठीक है? ये टू डिजिट में तो हमने ये देखा ही था, सिंगल फिर क्रॉस, ठीक है? थ्री डिजिट है इसलिए थ्री क्रॉस आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है? अब आपको नंबर लिखते जाना है, ठीक है? फर्स्ट नंबर क्या है, 221, इसको हटा देते हैं यहाँ से, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 221 मल्टीप्लाई विथ 123, ये एक नंबर था आपका, ठीक है? तो क्या होगा, आप कैसे लिखोगे नंबर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहला नंबर क्या है, 13, तो यहाँ पे क्या आएगा, 13, ठीक है? 13 यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, 221 मल्टीप्लाई विथ 123, ठीक है? 1 × 3 ये आ गया 13 पहला नंबर। दूसरे में क्या आएगा, क्रॉस, किसका, इन दोनों का क्रॉस, तो क्या लिखोगे, 2 1 2 3, ठीक है? तीसरे में क्या आएगा, तीनों नंबर आएंगे, 2 2 1 1 2 3, ठीक है? अब चौथे में क्या आएगा, ये दोनों आएंगे, 100 और 10 प्लेस के नंबर, 2 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, 1 2, ठीक है? लास्ट वाले में क्या आएगा, 2 और 1 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? बस आपको ये पैटर्न याद रखना है, वन एरो क्रॉस, देन ट्रिपल, देन सेकंड, देन 1, ठीक है? अब उसके बाद आप फिल कैसे करते जाओगे, आप फिल करते जाओगे सिंपल, 1 × 3, फिर इन दोनों को यूज किए यहाँ पे, फिर तीनों को यूज किए, फिर इन दोनों को यूज किए यहाँ पे, फिर सिंगल 1 1 को यूज किए। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, ठीक है? अब वैल्यू, अब आपको देखो थ्री डिजिट का थ्री डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने से फाइव डिजिट नंबर आता है, आपको फाइव प्लेसेस फिक्स करना है, ठीक है? तो आपका फाइव प्लेसेस आपका फिक्स हो गया, ठीक है? आपका फाइव प्लेसेस फिक्स हो गया, ठीक है? अब देखो इस वाले प्लेस में यहाँ से वैल्यू आएगी 3 1 3, ठीक है? इस वाले प्लेस में इन दोनों का क्रॉस करके ऐड करने से वैल्यू आएगी, 2 3 कितना होगा, 2 3 6, 2 1 2, 6 + 2 कितना हुआ आपका, 8, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, 8। अब थर्ड वाले में देखो तीन क्रॉस है, आपने ऐसा नहीं देखा होगा, तो क्या करोगे, 2 3 6, 2 2 4, 1 1 1, ठीक है? सारे को ऐड करोगे, 6 4 10 + 1 11, कितना आ रहा है आपका, 11 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वन डिजिट नंबर रखना है, इसलिए क्या करोगे, 1 रखोगे और 1 कैरी कर दोगे नेक्स्ट प्लेस पे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो 2 2 4, 2 1 2, तो कितना है आपका यहाँ पे, 6, ठीक है? 6 आया, और ऑलरेडी यहाँ पे कैरी था, तो 6 + 1 आपका क्या हो जाएगा, 7, ठीक है? अब लास्ट देखो 2 1 2, तो आपका नंबर क्या आया, इन दोनों के मल्टीप्लाई से आपका आंसर क्या आया, 2
27 27 183, ये आपका आंसर है, 27183 आपका आंसर है, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये पैटर्न और ये नंबर, लेकिन आप अगर दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको इजिली मिनट से पहले आपका ये चीजें सॉल्व हो जाएंगे, बहुत इजिली बहुत फास्ट आपका ये सॉल्व होगा। बस आपको ये याद रखना है, सिंगल एरो, क्रॉस एरो, फिर तीनों का क्रॉस, फिर डबल, फिर सिंगल, ठीक है। और चीजें ऐड करनी है और सेकंड चीज कैरी फॉरवर्ड करनी, जैसे टू डिजिट नंबर में करते थे हम, वैसे थ्री डिजिट नंबर में भी करना है, जो भी कैरी आएगी उसको आपको फॉरवर्ड करते जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 231 मल्टीप्लाई विद 425, ठीक है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले वो पैटर्न लिखोगे आप, क्या होता है, सिंगल एरो देन क्रॉस देन ट्रिपल क्रॉस अगेन डबल क्रॉस देन सिंगल एरो, ठीक है, यहां तक हो गया। फिर क्या करोगे आप, नंबर्स लिखोगे, कैसे लिखोगे नंबर, ये है आपका नंबर 231 425, ठीक है, एक ही नीचे एक लिख लो ताकि इजिली पड़े आपको। तो 1 और 5, पहला क्या है 1 5, फिर दूसरे में क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस होगा तो 3 1 2 5, यहाँ तक क्लियर है। फिर तीनों का क्रॉस होगा तो तीनों नंबर आएगा 231 425, ठीक है। फिर सेकंड वाले में टेंस और हंड्रेड प्लेस का होगा तो क्या होगा 23 42, ठीक है। फिर लास्ट वाले में लास्ट आएगा 100 3 एंड 4, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या होगा, 5 डिजिट नंबर आपका आंसर में क्या आना चाहिए, 5 डिजिट आना चाहिए, 5 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 डिजिट का 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करने से 5 डिजिट नंबर तो आंसर आएगा ही मिनिमम, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाई करो, 5 1 5, यहाँ पे आपका क्या आएगा 5, ठीक है। अब इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 15 प्लस 2 1 2, कितना आया 15 प्लस 2 17 आया आपका, ठीक है। तो 17 का क्या होगा यहाँ पे 7, और कैरी क्या होगा आपका यहाँ पे 1 फॉरवर्ड होगा, यहाँ तक ठीक है। अब फिर मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 4 1 4 3 2 6, कितना होगा 6 प्लस 4 14 प्लस 6 20, यहाँ पे आपका इसका मल्टीप्लाई करने से 20, और यहाँ पे ऑलरेडी कैरी था तो 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। कितना हुआ 20 प्लस 1 कितना हुआ 21, तो 21 का अगेन 1 यहाँ पे आएगा और 2 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, 2 यहाँ पे आया आपका कैरी, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 3 12, कितना आया 4 प्लस 12 16, ठीक है। 16 प्लस 2 कितना होगा 18, 16 प्लस 2 आपको कितना आएगा 18, तो 18 का क्या होगा 8 यहाँ पे रखोगे और कैरी 1 फॉरवर्ड होगा, ठीक है। अब करो 3 4 12, सो 12 प्लस 1 आपका कितना आएगा 13, ठीक है। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे 231 मल्टीप्लाई विद 425, तो आपका आंसर ये होगा, आपका आंसर ये आएगा 138175, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, अगर आप 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको इजिली बहुत फास्ट आप कर पाओगे एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई ट्रिक पता है और बिना उसको प्रैक्टिस किया आप उस ट्रिक को याद नहीं रख सकते, राइट। तो यहाँ पे कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, तो मेक श्योर आप पहले उस ट्रिक का अप्लाई करें, उसको सॉल्व करके देखें, इसका आंसर निकालने की कोशिश करें ट्रिक अप्लाई करके कम से कम टाइम पे, ठीक है। उसके बाद आप आंसर कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं कि आपका आंसर कितना आ रहा है इन सबको सॉल्व करने से, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करें, अगर आपका कोई फ्रेंड किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो प्लीज ये वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।